A sum of money was invested at 10% interest per year, compounded half yearly for 18 months. If the amount payable on a maturity was 64,827, what was the sum invested? Okay, half yearly की बात की जा रहा है ये, तो इसीलिए half yearly में देखेंगे, ओके हाफ ईयरली में देखिए रेट कितना है. सबसे पहले हाफ ईयरली में रेट देखना, रेट कितना है 10%, तो रेट को क्या करना है हाफ कर देना है, तो कितना हो गया मेरा 5% हो गया ना ये. अब देखिए 18 महीना है, मतलब हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली मतलब एक साल में कितना होता है, हाफ करेंगे तो 6-6 महीना करके, ये पड़ गया हाफ ईयरली का मतलब वो लॉजिक. तो 18 महीना को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6-6 करके 3 बार, ओके 3 बार लिख सकता हूँ. यानी कि मेरा जो अमाउंट है वो कितना है 64,827 को, ओके रेट मेरा कितना आया 5%. देखिए करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, 5% यानी कि 3 बार 105 करके डायरेक्ट फॉर्मूला में एकदम पुट कर दिया. ओके तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, अमाउंट क्या हो रहा है पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है. यानी कि जो मैंने 105/100 लिखता था उसको अभी मैं 100/105 लिखूँगा, रेट मेरा 105 आ गया ये 3 बार, ओके 6-6 महीने के लिए 105. देखिए 5% को आप कंपोनेंट्स का फॉर्मूला में लगाएंगे आपका यही बन जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्या शॉर्टकट के लिए, ये बन गया. ओके जब भी अमाउंट से ऑप्शन में देखिए पैसा ज़्यादा है तो 105 को ऊपर लिखिए, अमाउंट से अगर ये कम है तो देखिए ऑप्शन से पता चल रहा है तो 105 को नीचे लिखिए. अब कैंसिल कीजिए, 21/5 से किया 20, ये भी सेम है 21, कैलकुलेटिव हो सकता है आप देख लेना. तो यहाँ 21 से कैंसिल हो रहा है, इसको कितना बार में जा रहा है 3087 टाइम्स जा रहा है, ओके ये 21 कम्प्लीटली कैंसिल हो गया. फिर ये 21 भी कैंसिल हो रहा है, कितने से जा रहा है 147 से, और 21 कितना टाइम्स आता है 147, 21 7 टाइम्स आता है, ओके. अब ये करेंगे 2 2 4 4 2 8 8, कितना जीरो है 3 0, 1 2 3 इंटू यहाँ पे मेरा क्या है 7, तो 7 7 8 7 8 56, कितना जीरो 3 1 2 3, तो मेरा आंसर कितना आया 56 3 0, 56 3 0, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा. ओके थैंक यू.